वैसे ही जैसे तूने पेट्रोल की टंकी तोड़ी थी। इसने जो झूठ बोला, बेईमानी की, उसके लिए आपने इसको माफ कर दिया? तो आप शांति निकेतन में क्या कर रहे थे? मैं थर्ड एक्टर हूँ। मैं थर्ड एक्टर तो क्या है ना कि मैं नौकरों के ऊपर फिल्म बना और नौकरों को करीब से जानना चाहता था। हाँ। अच्छा। तो आप परफेक्शनिस्ट हैं, राइट? ऑलवेज, हमेशा हमेशा। आपने देखा होगा रेस की लाइन पे रुक गया था मैं। हाँ। ना आगे ना पीछे, बिल्कुल मैं रुक गया था, है ना? आप लंच तो करती होंगी ना? मेरे साथ लंच करेंगे? जी आज मैं नहीं। देखिए मेरा जो परफेक्शन का जो दिल है ना वो टूट जाए। वैसे ही जैसे तूने पेट्रोल की टंकी तोड़ी थी। ये प्राइज आपका है निराली जी। इस कमीने ने आपकी टंकी में छेद कर दिया था ताकि आप ये रेस हार जाए। इसकी शक्ल तो मेरे जैसी और भी है। कमीने, मैंने तुझे गाड़ी चलाना सिखाया था। झूठ, चीटिंग करना नहीं। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? छोड़िए निराली जी, ऐसे कमीने के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं, वो गंदा हो जाएगा। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए कहीं भी बैठिए। छोड़ देता हूँ? मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा साले। लंच में क्या हुआ? वैसे मैं एक कलाकार हूँ। हाँ, और आप? मुझे पेंटिंग और डांसिंग का बहुत शौक है, लेकिन क्या करूँ, सिर्फ कला से तो घर नहीं चलता है ना। हाँ, इसलिए मैं फैशन डिजाइनिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, मेरी माँ एक कलेक्टर थी। टिकट कलेक्टर? नहीं, IAS ऑफिसर। ओह सॉरी, मेरा बचपन बड़ी रईसी में गुजरा। तो फिर आप दादा दादी के यहाँ बर्तन क्यों मांजते हो? नहीं, वो इसलिए कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं भी एक कलेक्टर बनूँ, और मेरी चाहत थी साधना। आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं, कला की साधना। इसीलिए मैंने तय किया कि चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ के सामने अपने हाथ नहीं फैलाऊंगा। क्या है कि सच्चाई और ईमानदारी पे मुझे बहुत भरोसा है। मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे सच्चा ईमानदार लोग बहुत पसंद है। यानी कि आपको मैं भी पसंद हूँ। इसने जो झूठ बोला, बेईमानी की, उसके लिए आपने इसको माफ कर दिया? क्या? नहीं, वो आपका डांस कॉम्पिटिशन था ना, तो इसे पता नहीं क्यों जलन हुई। आपका शो शुरू होते ही इसने स्पीकर्स के बाहर काट दिए और सीडी निकाल दिया। यही है ना? ये मैं रख लेता हूँ, छोड़ो ये। और कहने लगा अब देखता हूँ कैसे जीतती है। तो मैंने इसे समझाया, अरे पागल, द शो मस्ट गो ऑन। तुझे मैंने इतना डांस सिखाया, वो कब काम आएगा? और धक्का मार दिया, तब जाके ना चाहिए। फिर मैंने इसे समझाया कि अब जाके सॉरी बोल। सॉरी बोला ना तू? अच्छा हुआ आपने इसे माफ कर दिया। क्या है कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। You cheater? मजाक कर रही है। बड़ा मजाक क्या है ये? अब निराली जी, मेरी बाइक में बहुत जगह है, आपको तो पता ही है। आपको छोड़ दूं? आइए आइए, बहुत जगह, मैं भी चलूं? मुजरा करे हम चार और लड़की लेके जाए तू अकेला। गोलमाल।